अस्सलाम वालेकुम, रिव्यूज पीके में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी की। 22 अगस्त 2019 को जोंग ने एक इवेंट होस्ट किया जहां पर उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी का एक स्पीड टेस्ट किया। जोंग ने ये स्पीड टेस्ट अपने ट्विटर पे भी शेयर किया और इस स्पीड टेस्ट से जोंग वो पहला नेटवर्क बन गया जिसने 5G सर्विसेज का पाकिस्तान में स्पीड टेस्ट किया हो। लेकिन आखिर 5G टेक्नोलॉजी है क्या, इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या कुछ दरकार होगा, इसके क्या फवायद हैं और आपकी ज़िंदगी पे इसका क्या फ़र्क पड़ सकता है, आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं तो इंस्टाग्राम पे ReviewsPK को फॉलो करें। तो दोस्तों, आखिर ये 5G है क्या? बेसिकली 5G का मतलब है 5th generation, यानी कि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी की 5th generation है। पहली जनरेशन थी एनालॉग सेलुलर की, जहां वो शुरू के बड़े फोन हुआ करते थे जिनके लोग एंटेना खींच के निकालते थे और जो खुद से खड़े हो जाते थे। उसके बाद आया 2G, जिसमें हमने GSM और CDMA टेक्नोलॉजीज देखी। इसमें अगर इंटरनेट के लिहाज से बात की जाए तो इसमें GPRS और एज टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद हमने देखा 3G टेक्नोलॉजी, यानी कि 3rd generation, और 3G में हमारी स्पीड थोड़ी इंप्रूव होके 200 kbps से चंद Mbps तक चली गई। और इधर हमने पहली बार मोबाइल ब्रॉडबैंड का कॉन्सेप्ट देखा, हमने मोबाइल पे वीडियो स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट देखा। फिर थोड़े ही अरसे बाद 3G से हम चले गए 4G पे, जो कि 4th generation थी, जहां हमने LTE देखा, जिसमें हम चंद मेगाबिट से चंद 100 मेगाबिट्स की स्पीड पे चले गए। और अब फाइनली दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है, यानी कि 5th generation, जहां हम हायर बैंडविड्थ देखेंगे, टेंस या हंड्रेड्स ऑफ मेगाबिट से लेकर गीगाबिट स्पीड्स, यानी कि हजारों मेगाबिट्स की स्पीड्स देखेंगे। और 5G टेक्नोलॉजी का एक जो बड़ा फर्क है वो है लो लेटेंसी में। यानी कि दोस्तों, जब आप स्पीड टेस्ट करते हैं और उसमें वो पिंग चेक करते हैं जो कि मिलीसेकंड्स में स्पीड आती है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी रिक्वेस्ट जाती है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट या फीडबैक कितना जल्दी वापस आता है। 5G टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि इसमें हायर बैंडविड्थ, एक्सट्रीम लो लेटेंसीज और बहुत ज्यादा डिवाइसेस को एक साथ सर्व करने की कुव्वत मौजूद है। तो दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी का आपको क्या फायदा हो सकता है, इससे मुस्तफीद होने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी और इसकी पाकिस्तान में कब तक अवेलेबिलिटी होगी, इस पे एक नजर दौड़ाते हैं। दोस्तों, ये इतना सिंपल नहीं है कि बस एक 5G सिम लिया और फोन में लगाया और 5G चल गया। 5G टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको एक 5G इनेबल्ड डिवाइस चाहिए होगा। इस वक्त मार्केट में बहुत ही कम डिवाइसेज ऐसे हैं जो 5G इनेबल्ड हैं, और जो हैं वो बहुत ही प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेज हैं। और इस वक्त मार्केट में 5G इनेबल्ड डिवाइसेज सस्ते से सस्ते भी 1,80,000 से 2,00,000 रुपए या उससे भी ऊपर के होंगे। एक बार 5G फोन आपके पास आ गया, उसके बाद आपको 5G इनेबल्ड नेटवर्क्स की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नेटवर्क्स 5G इनेबल्ड नहीं है। जोंग को भी जो PTA ने परमिशन दी है वो एक बहुत ही महदूद किस्म की परमिशन है, बहुत ही लिमिटेड एरिया में टेस्टिंग करने की परमिशन है। कमर्शियली इस वक्त कोई भी 5G सर्विस पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और जोंग ने जो किया है वो सिर्फ एक टेस्ट है जिसकी अपनी अहमियत जरूर है, लेकिन फिर भी इसको आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना होगा। एक तो जो गीगाबिट स्पीड्स दिखाई गई हैं वो एक तरीके से आइडियल एनवायरनमेंट और बेस्ट केस सिनेरियो है। इन रियलिटी जब 5G नेटवर्क्स पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होंगे तो उनकी स्पीड्स शुरू में एटलीस्ट काफी इससे कम होंगी, हो सकता है वक्त के साथ साथ बढ़ जाएं। और साथ ही साथ जोंग के टेस्ट में जो लेटेंसी दिखाई गई है वो भी बहुत हाई है। असल में 5G टेक्नोलॉजी एक बार जब पूरे तरीके से इंप्लीमेंट होगी तो लो लेटेंसी उसका एक बड़ा हिस्सा होगा। इसके साथ साथ 5G टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम्स गवर्नमेंट अलॉट करेगी, जैसे 4G में हमने कुछ सालों पहले देखे थे जहां 4G के स्पेक्ट्रम्स के ऑक्शंस हुए थे और फिर हर नेटवर्क ने कुछ हिस्सा स्पेक्ट्रम का खरीदा था और फिर उस पर अपने 4G नेटवर्क्स इंप्लीमेंट किए थे। वैसे ही 5G टेक्नोलॉजी के लिए भी डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स का इंदराज किया जाएगा और गवर्नमेंट इन स्पेक्ट्रम्स को प्रॉबली ऑक्शन करेगी और फिर वो सारा हार्डवेयर इन प्लेस किया जाएगा जिसमें 5G के जो बेस स्टेशंस होते हैं या फीडर्स होते हैं वो मुल्क में हर जगह लगाए जाएंगे और फिर 5G इंप्लीमेंट किया जाएगा पाकिस्तान में। और मेरे हिसाब से इसको कम से कम भी चंद साल तो लग ही जाएंगे। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए तो उधर भी इस वक्त 5G टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टेस्टिंग स्टेज पे है, कुछ सिटीज़ में, और उन सिटीज़ में भी बस कुछ इलाकों में 5G इंप्लीमेंट किया गया है। तो एक्सपेक्ट के 2-4 साल तो कहीं भी नहीं गए बिफोर वी सी
5G टेक्नोलॉजी इन फुल स्विंग। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स या इसके फवायद। तो अगर बेसिक चीज़ों की बात की जाए तो जाहिर है हायर स्पीड्स का मतलब होगा कि आपकी जो वीडियो स्ट्रीमिंग है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। नेटफ्लिक्स पर अगर आप मूवीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो बहुत क्विकली डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ गेम स्ट्रीमिंग की जो बात है, जैसे कि गूगल स्टेडिया और उस टाइप के जो हमने प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लेंगे। इसके साथ अगर थोड़े बड़े इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो होम ब्रॉडबैंड पे भी इसका बहुत बड़ा फ़र्क आएगा 5G टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इस वक्त होम ब्रॉडबैंड लिमिटेड है तकरीबन फाइबर ऑप्टिक्स और इन किस्म की चीज़ों से, तो आपको फिजिकल केबल की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ एक फीडर या बेस स्टेशन आपके मोहल्ले में लग जाएगा और वो हंड्रेड्स ऑफ मेगाबिट्स ऑफ बैंडविड्थ आपके मोहल्ले में सर्व करेगा और उससे होम ब्रॉडबैंड की स्पीड्स और बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर थोड़े ज़्यादा प्रोफाउंड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए उर्दू में प्रोफाउंड इफेक्ट, अगर ज़्यादा गहरे असरात की बात की जाए तो काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां 5G टेक्नोलॉजी की हायर स्पीड लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली लोअर लेटेंसी का जो बेनिफिट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में बहुत फ़ायदा होगा, जहां लो लेटेंसी की वजह से रिमोटली डॉक्टर्स सर्जिकल इक्विपमेंट्स या सर्जिकल रोबोट्स को कंट्रोल कर सकेंगे और रियल टाइम में उनको वीडियो लिंक और हैप्टिक फीडबैक मिल सकेगा जिससे वो सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ सेल्फ ड्राइविंग कार्स 5G का बहुत ज्यादा फायदा होगा, जहां आप देखेंगे कि एक गाड़ी सैकड़ों या हजारों दूसरी गाड़ियों से रियल टाइम लो लेटेंसी नेटवर्क के थ्रू और स्मार्ट रोड्स के साथ कम्युनिकेट कर रही होगी और खुद को गाइड कर रही होगी। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स इज अ बिग थिंग। इसके अलावा ड्रोन्स अपनी पूरी पोटेंशियल पे काम कर सकेंगे, जहां रिमोटली आप बहुत सारे ड्रोन्स को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकेंगे और उनसे हाई डेफिनेशन वीडियो फीड्स ले सकेंगे। इसी तरह एजुकेशन की फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में, बहुत सारी फील्ड्स में 5G टेक्नोलॉजी की हायर बैंडविड्थ, लोअर लेटेंसी और बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को एक साथ सर्व करने की एबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आप देखेंगे। लेकिन फिर भी वापस आ जाते हैं 2019 में। इस वक्त 5G टेक्नोलॉजी बहुत ही अपने अर्ली स्टेज में है। प्रॉप्स टू ज़ोंग के उनने इसका पहला स्पीड टेस्ट पाकिस्तान में किया, डेफिनेटली एक लैंडमार्क मोमेंट है। लेकिन फिर भी 5G टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में आने में इस वक्त अभी थोड़ा टाइम है। यकीनन हम अपनी नजरें लगाए बैठे हैं, जैसे ही कोई अपडेट्स आएंगे 5G टेक्नोलॉजी पे हम बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे। आपके 5G टेक्नोलॉजी पे क्या ख्याल आते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक देना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।